हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर, क्योंकि पहले मैं गई नहीं थी और अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि नानी ने कहा तो इस बार आए नहीं मेरे पास, और मम्मी पापा के साथ मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर। चलो अब आपसे मैं रेडी होने के बाद, तो गाइस अब मैंने ड्रेस पहन ली है और मम्मी पापा भी खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने के बाद मम्मी रेडी होगी, क्योंकि हमें अभी मम्मी रेडी नहीं हुई है, तो मैंने अभी कंघी करनी है और कंघी करने के बाद हम निकल जाएंगे मामा घर। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली, और मेरी सिस्टर थोड़ी सी नाराज़ हो गई है क्योंकि हम उसे लेकर नहीं जा रहे हैं। वो कह रही है कि मैं भी जाऊंगी। मम्मा की तरफ कैमरा करने में मम्मी मुझे कुछ गुस्से से घूर रही थी और सभी कैमरे के आगे चुप हो गए। मेरी छोटी सिस्टर भी कैमरे के आगे चुप हो गए। तो अब मम्मा रेडी हो रहे हैं। हम इसे लेके नहीं जा रहे और इसीलिए इसका रोना धोना सब हो चुका है, और मम्मी से इसको बहुत ज़्यादा दांत पड़ रही क्योंकि रो रही है फालतू से। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और ये अभी हो रही है। तो मेरी बड़ी सिस्टर इसे पहना रही है शूज, और शूज पहनने के बाद ये बिल्कुल हो जाएगी रेडी, और ये जाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। इसका ना रो रो के बुरा हाल हो चुका है, कब से रोए जा रही है ये। तो यहाँ पे पापा भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बस अपने शूज पहन रहे हैं, और इसके बाद हम चले जाएंगे अपने मामा के घर। हेलो गाइज, अब हम बस के लिए हो चुके हैं लेट और भागते हुए जा रहे हैं। आगे पापा, मैं, मम्मा पीछे भी आ रहे हैं, और अभी बस आई है कि नहीं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम हो चुके हैं बस के लिए लेट। तो यहाँ पे ना हम दोनों शायद हो चुके हैं क्योंकि हमारी बस चली गई है और हम सेकंड बस का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों बहनें हमें आ चुकी हैं छोड़ने के लिए। तो गाइस फाइनली बस अब आ चुकी है और हम बस का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे फाइनली हमें बस मिल गई। और मेरी छोटी बहन मुझे परेशान कर रही है, मेरी किस ले रही है, और खिड़की से ठंडी हवा देते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पापा और मैं साथ में बैठे हुए हैं। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ कांगड़ा बस स्टैंड, और यहाँ से बस लेने के बाद मैं अपने मामा घर जाऊँगी। तो अब मैं सेकंड बस में बैठने जा रही हूँ। तो गाइस हमें फाइनली बस मिल चुकी है और हम बस में बैठ गए। हमें बस में बैठ के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ी में ना कांगड़ा फोर्ट दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और मैं यहाँ पर बहुत बार गई भी हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना मुझे और पापा को बहुत गर्मी लग रही थी, और उसके बाद मैंने किया फैन ऑन और फिर आने लगी ठंडी ठंडी हवा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे फोर आने का काम लगा हुआ है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे रोड यहाँ की। तो गाइस अब आपको दिखाती हूँ बासू का पुल। तो देख सकते हो ये है बासू का ट्रेन का पुल जो कांगड़ा में है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और इस पुल की एक ख़ास बात भी है कि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल है। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं बंगला मुखी टेम्पल, जैसे कि देख सकते हैं टेम्पल दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर भीड़ ना बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दुकानें हैं, वो कितनी अच्छी लगी हुई हैं, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम बस से उतर चुके हैं और बस जा रही है, तो अब मैं सीधे अपने मामा के घर जाऊंगी। और अभी मैं मम्मी के पीछे पीछे जा रही हूँ, और साथ में मुझे मेरे मामा भी मिल गए।
तो अब हम घर जा रहे हैं। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे मामा के घर पहुँच चुकी हूँ। तो गाइस मम्मी मेरी बड़ी नानी से मिल रही है और मैं अपने मामा से मिल रही हूँ। तो नानी मम्मी को यहाँ पे प्यार लगा रहे हैं। तो गाइस मैं फाइनली नानी के पास आ गई हूँ और मेरी नानी और मम्मी दोनों मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कुछ दिन पहले मेरी नाना की डेथ हो गई थी, तो इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा उदास हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। तो इसके बाद मैं नानी से मिली और नानी ने मुझे और मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार लगाया। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है वो इतना ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।